वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं VITE के बारे में, मतलब VITE एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और यह आज की डेट हो गई है 22 मार्च के अंदर इसकी लास्ट डेट है एग्जाम की फॉर्म की। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 22 मार्च है, अभी तक भर लीजिए, कुछ घंटे बचे हैं आपके पास, तो फॉर्म भर लीजिएगा इसको। तो हम लोग कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि VITE एंट्रेंस एग्जाम, सबसे पहले तो आपको VITE एंट्रेंस एग्जाम देना क्यों चाहिए पहले ये बात करते हैं। तो VITE एंट्रेंस एग्जाम में जो हमें कॉलेज मिलेगा वो 4 कॉलेज मिलते हैं इसके अंदर। VITE वेलोर मिलता है आपको, फिर चेन्नई मिलेगा, फिर अमरपाली मिलेगा, उसके बाद आपको भोपाल या MP आपको भोपाल कॉलेज मिलेगा। तो 4 कॉलेज आपके मिलते हैं। तो इसके बाद अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको वेलोर मिलेगा, वरना आप चेन्नई चूज़ कर सकते हैं। दोनों कॉलेज में कोई एक कॉलेज चूज़ करेगा क्योंकि दोनों कॉलेज काफ़ी अच्छे, सबसे अच्छा विलोर है, तो इसको, इस कॉलेज को पक्का अगर आपको मिल रहा होगा तो आप भी चूज़ कर सकते हैं कॉलेज। तो अब हम लोग इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। हमने उसे डिटेल में वीडियो बना रखा है, प्लेसमेंट का डिटेल वीडियो आपको देखना है तो हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक करिएगा आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट इसकी ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज जो होता है 4 लाख के अराउंड का होता है, 4 से 5 लाख के बीच में होता है इसका एवरेज पैकेज। मगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसके हाईएस्ट पैकेज जो गए 39 लाख 40 लाख के अराउंड होते हैं और 5 से स्टूडेंट को मिले हैं, और ऐसी 30 लाख के ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मिला है इसके अंदर। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें इंडिया में तो सेकंड नंबर में ये बिट्स पे लाने के बाद ये सेकंड नंबर पर कॉलेज आता है VITE वेलोर। और ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी टॉप 20 के अंदर इसकी रैंक आती है VITE वेलोर की। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है और आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, सिलेबस का सिलेबस क्या। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, VITE का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो VITE का जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 आवर्स का होता है। 2.5 आवर्स मतलब 150 मिनट्स आपको मिलते हैं इस एग्ज़ाम में, 150 मिनट्स मिलेंगे और 125 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 125 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो टोटल हम मान रहे हैं 125 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स का। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो +1 मार्क है हमारा कि अगर आपका सही हुआ तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको कोई मार्क्स कटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 की बात करें तो मैथ्स की बात कर लेते हैं कि इसके मैथ्स और बायो का आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, मेडिकल नॉन मेडिकल। तो मैथ्स के अंदर अगर आप करना चाहेंगे तो इसमें मैथ्स और बायो के 40 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो वो कर सकते हैं। सेक्शन वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम दे सकते हैं। टोटल एग्ज़ाम आपको 2.5 आवर्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको कंप्यूटर पर बैठ के देने एग्ज़ाम। तो 40 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, 35 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 35 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें टोटल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको मिला के 125 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल 125 क्वेश्चन है, टाइम लिमिट हमारी 150 मिनट की होगी। तो ये इतने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब हम लोग एग्ज़ाम के लेवल की बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है। तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी होता है JEE मेन से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो JEE मेन के लेवल से काफ़ी इजी एग्ज़ाम आता है। इसमें मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है और आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इसमें स्पीड मेंटेन करके रखनी है और आपको क्वेश्चंस करना है। क्योंकि इसमें जो मैं आपको गलती बताता हूँ कि मैं जो मुझसे गलती हुई थी कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था ये, तो मैंने मेनली टाइम इस पर मैथ्स पे फोकस पे लगा दिया था, मैथ्स पे। फिर मैं एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन देखिए, मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैथ्स जैसे ही होते हैं, तो मैंने एप्टीट्यूड के मैथ्स करने लगे। फिर बाद में मैंने फिजिक्स सेमेस्टर में काफ़ी कम टाइम दिया था, तो मेरा ये था पहले कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि ईजी था पेपर, तो मैं चाहता था कि इस एग्ज़ाम में मैं सारे क्वेश्चन कर दूँ मैथ्स के। तो ऑलमोस्ट 40 में से जितना मुझे याद है 36-37 क्वेश्चन हो गए थे मेरे, बाकी मैं इन सब पे टाइम दे रहा था, तो मेरा ऑलमोस्ट सारा टाइम इसी में निकल गया। तो मैंने टोटल 70 to 75 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन किए थे जो मैंने अपने टाइम पे किए थे। फिर 5-10 मिनट जो बचे थे लास्ट में, तो मैंने हिट एंड ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया और मैंने बिना देखे क्वेश्चन को टिक मार दिए, ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन पे टिक मारे हो गए।
तो मेरे ऑलमोस्ट मैंने 100 to 110 क्वेश्चंस किए थे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया था मैं क्वेश्चन, और बाकी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, मुझसे सारे क्वेश्चन करने चाहिए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था ये सब। मेरा मोस्टली टाइम इसमें मैथ्स में और एप्टीट्यूड में मैंने निकाल दिया था सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में। तो ये एग्ज़ाम में आप मत करिएगा, ईगो में मत लीजिएगा, जिस भी सेक्शन में अच्छा है ज़रूरी नहीं कहा सारे क्वेश्चन करने। मगर इसके बावजूद अगर मैं 70-75 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे, मैंने 30 क्वेश्चन बिना देखे तुक्के मारे हैं, मैंने हिट एंड ट्रायल किया है, उस हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे 75 मार्क्स भी आए थे तो मेरी जो रैंक बनी थी वो 7000 कुछ बनी थी, 7100 या 7200 के अराउंड थी मेरी इसकी रैंक। तो मतलब आपके 75 to 85 मार्क्स, 75 to 80 के बीच में आपकी 7000 रैंक आ सकती है। और जो इसके CSE का VIT वेलोर का कट ऑफ किया था वो भी 7000 किया था लास्ट ईयर मेरे टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि इतने इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, 75 to 80 मार्क्स पे आपको CSE मिल सकता है। मगर आपको टारगेट क्या लेके चलना है कि आपके 90 to 100 मार्क्स आ जाए, ताकि 90 to 100 मार्क्स का अगर आप टारगेट रखेंगे तभी आपके 80-85 मार्क्स आराम से आ पाएंगे, और आप इसमें आराम से आपको CSE या EC मिल जाएगी। कट ऑफ हर साल वेरी होती है इसलिए। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। हम लोगों ने बात कर लिया एग्ज़ाम पैटर्न की, अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस की, कि इनका सिलेबस क्या आता है। तो सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस आता है वो आपका क्लास 12th का जो होगा वो 60 to 70% आपका क्लास 12th का सिलेबस होता है इनका, 60 to 70% आपका क्लास 12th का होता है, बाकी आपका 11th का होता है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्लास 12th देंगे फिर आपका एग्ज़ाम होता है, ड्रॉपर होता है, तो इनके लिए क्लास 12th काफ़ी फ्रेश होता है, इसलिए 60 to 65% आपका आराम से इसमें से आ जाता है। तो अगर आप 60 to 65 बात करें तो 125 में से आपके आराम से 80 मार्क्स के अराउंड, आपके 80-85 के अराउंड आपके इसी से आ जाता है। तो क्लास 12th पे आपको फोकस करना है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता देता हूँ। और ये जो सिलेबस मैं आपको बताने आ रहा हूँ, ये सारे सिलेबस इन्होंने VIT वालों ने खुद से अपनी साइट पर डाल रखा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन मैथ्स में आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो इसके एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, और कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर, हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर 3D जो चैप्टर है आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, और इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, एल हॉस्पिटल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन सबको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक आपका मैथ्स के, इतने ही टॉपिक्स अगर आप करेंगे तो आपके 40 to 50% आपके सिलेबस 40% तो इतने कवर कर देगा। इन्हीं 3-4 टॉपिक्स है जो इससे काफ़ी 40% क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 40 to 50% मैथ्स का इतने टॉपिक कवर कर रहा है आपका। ये सब 12th के चैप्टर तो आपको काफ़ी अच्छे से आते होंगे सारे चैप्टर, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन भी काफ़ी इजी लेवल के पूछते हैं, कि इंटीग्रेशन की ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आप कर सकते हैं आराम से। डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्या इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन पूछ लेता है, सेट थ्योरी टाइप के पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो वेन डायग्राम की हेल्प से, इस टाइप के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन इनके, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, बस टाइम आपको देना है कि टाइम लगेगा तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, JEE मेंस के अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपको NCERT अच्छे से आती है तो आपके NCERT अगर आपने ढंग से कर रखी है तो भी आपके 50-60% मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इसमें। और डिस्क्रीट मैथ्स मतलब इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, 2 दिन क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस सीरीज के, कि अर्थमेटिक मीन का हो गया है, जोमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और ये RF जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन, इसको भी कर लीजिएगा, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मगर जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर 3D, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये कर लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टॉपिक है हमारा, जिन्होंने खुद बता रखा है कि जो टॉपिक इन्होंने बताया कि लीनियर मोशन वाला जो हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, और ये वर्क एनर्जी पावर एक ये टॉपिक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमारे आते हैं सॉलिड स्टेट वाले जो इलास्टिसिटी इन सब के, वो इस फिजिक्स के इतने टॉपिक आपका 11th का बस, बाकी 12th का ही टॉपिक है आपका। तो हम 12th के टॉपिक की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टर वाला जो हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटर रेजिस्टर के निकालो इक्विवेलेंस,
पहले सिलेबस वाले क्वेश्चन वो काफी पूछ लेते हैं, तो वो कर लीजिए क्वेश्चन। और जी हमारे ये चैप्टर, ये तीन चैप्टर जो आते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड वाले, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर है, मैग्नेटिज्म ईएमआई वाला चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा ये। और ये जो हमारे लास्ट के जो चैप्टर है, जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के हो गए जो चैप्टर आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमी कंडक्टर, ड्यूअल नेचर, इन सबसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लेते हैं कि हमारा हाफ लाइफ बताओ, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं फिजिक्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, कौन कौन से चैप्टर है, सिलेबस केमिस्ट्री का इन्होंने बता रखा है पीआईटी वालों ने। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पीडीएफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स है इसमें, अमीनो एसिड, इन सबके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड है उससे पूछ लेते हैं, बायोमोलिकुल्स से दो तीन क्वेश्चन आज भी आते हैं, क्योंकि बायोमोलिकुल्स में कुछ नहीं आता था उससे मैंने देखे थे, दो तीन क्वेश्चन तो थे ही, शायद तीन चार थे पता नहीं, दो तीन क्वेश्चन तो आ रखे थे क्योंकि मुझे बायोमोलिकुल्स बिल्कुल याद नहीं था, तो ये मुझे याद है अच्छे से कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको कर लीजिएगा। अब इसकी बात करते हैं पूरे इस चैप्टर्स में, तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक ढंग से करनी है, ट्वेल्थ क्लास की जो हमारी ऑर्गेनिक की बुक है उससे क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड ये सब पूरा मॉलिक्यूल्स का, ये ऑर्गेनिक का काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्शन आता है इसका, बाकी जो हमारे आते हैं वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं और इनऑर्गेनिक से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते हैं, पीडीएफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला उससे काफ़ी सारे मतलब जो भी इनऑर्गेनिक के आते हैं इनसे ही आते हैं, बाकी सारे हमारे फिजिकल के चैप्टर आएंगे और ये ऑर्गेनिक के आएंगे, तो ऑर्गेनिक के कर लीजिएगा ढंग से ये, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं ऑर्गेनिक में, तो इनको ढंग से करिएगा ऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हमारा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक में भी, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सिंपल इक्वेशन पूछ लेते, सिंपल कंपाउंड्स के रिएक्शन पूछ लेते, तो ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आता एग्जाम, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि इजी आता है, आप इसको एनसीईआरटी करेगा, सिर्फ एनसीईआरटी, जेई मेन से काफ़ी इजी लेवल आता है इसका, अगर आपको क्लास 12 ढंग से आता है आपको इनफ है, इसी से आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 10 मार्क्स के एप्टीट्यूड के आते हैं, इंग्लिश के 5 मार्क्स के आते हैं, तो एप्टीट्यूड इन सबके क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें बार ग्राफ का या बाय चार्ट के क्वेश्चन आते हैं फिर पूछ लेते हैं, सफिशेंसी के अंदर क्या आता है कि हमारे इसके अंदर बोलते हैं कि आपको दो तीन डाटा दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये डाटा आपको अगर ए और बी का इन्फॉर्मेशन साथ में मिला के सही है कंप्लीट है या ए और बी का कम है, ये मतलब जो भी आपके सेट थ्योरी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको कुछ डाटा दे दिया आपको बोलते हैं कि सफिशियंट डाटा है या नहीं, कि आपके पास अगर ए का डाटा है तो आप इससे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते है, दोनों को मिला के निकालना है या दोनों मिलके भी नहीं निकलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा होगा ये सब क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, और इसके अंदर भी ये आता है क्वेश्चन कि हमें बोलते हैं कि सम ए और बी वाले क्वेश्चन की कुछ ए हमारे ए कुछ ए बी है बी कुछ सी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आपको बताना है कि ए कुछ सी होगा कि नहीं होगा, सी कुछ ए होगा या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कुछ टॉपिक से आते, और ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की कोड कर देते हैं, कोई भी नंबर जो आपको उसको कोडिंग आपको मिल जाता है कि इसको चेंज करके नंबर दे दे आपको डी, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की बात करें डी एफ सी ऐसे करके कोड दे दिया आपको दूसरा कोड निकालना होता है ई एफ सी आगे दूसरा कोड कौन सा आएगा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ये एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपको ये 4 या 5 घंटे सिर्फ 4-5 घंटे यूट्यूब पर वीडियो देखेगा सारे टॉपिक आप कवर हो जाएगा, आपको बेसिक सबकी नॉलेज आ जाएगी, आपको पता जाएगा कैसे करना है, क्योंकि नंबर सीरीज की बात करें तो फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज में भी कि 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1-2-3 है मिसिंग एलिमेंट निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि 5 दे दिया आपको 11 देते हैं फिर 16 दे दिया मिसिंग एलिमेंट निकालना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सीरीज के आते हैं, इसके 5-6 पैटर्न होते हैं कि एडिशन से निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो क्यूब रूट करके स्क्वायर रूट करके, तो ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं मगर कैलेंडर वाले क्वेश्चन कहा जाते हैं कि आपको बता देता है कि 2 मार्च 2020 को ये डेट थर्सडे था तो आपको बताना है कि आपको 16 मार्च को 2016 में या 2015 में कितनी डेट थी, तो आपको ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे काफ़ी शॉर्टकट मिल जाएगा इन एप्टीट्यूड सेक्शन के, आपको 3 से 4 घंटे में आपको पूरा एप्टीट्यूड कम्प्लीट होएगा अच्छे से, और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो आपने देखे ही होगा कि ए
डिस्टेंस निकालना है कि ये इस साइड गया, बी उस डायरेक्शन में गया, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो भी कर लीजिएगा। तो ओवरऑल हम लोग एप्टीट्यूड की बात करें तो काफ़ी ईजी एप्टीट्यूड आता है। 4 से 5 घंटे यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक आपको हर एक की पता चल जाएगी, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी मतलब वो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एरर निकालना होता है, आर्टिकल वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ए लगेगा, एन लगेगा, आर है वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक के एरर निकालने के क्वेश्चन, ये सब इंग्लिश में आते हैं क्वेश्चन। और ये ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आते, 10th 11th के लेवल की आती है इंग्लिश में, इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और वैसे 5 क्वेश्चन है आपको, 125 में से आपको 80-85 मार्क्स लाना है ताकि आपको CSC ब्रांच मिल जाए। 90 मार्क्स तक आपको आराम से CSC मिल जाएगी, तो 90 मार्क्स कम से कम लेके आइएगा। फोकस अपना 100 का मारिए, टारगेट 100 का लगाइए और आपके 85-90 मार्क्स आएगा, आराम से आपको CS मिल जाएगा। तो अच्छे से मैंने सिलेबस बता दिया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फोकस करना है, और आप 7 दिन के अंदर ये कर सकते हैं अच्छे से। 7 दिन के अंदर या प्रीवियस ईयर की जो इसकी बुक आती है VIT की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आती है, 14-15 साल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, 7 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो कर लीजिएगा। वरना NCERT के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और बेसिक JEE Main इन सबके क्वेश्चन कर लीजिएगा, बेसिक और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आता। जो क्वेश्चन पूरा ओवरऑल आता है वो ईजी और मीडियम लेवल का होता है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। वैसे भी हमें 125 में से 90 मार्क्स तक लाना है और उससे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपको इस पर पूरे सिलेबस को कवर करने में मत लगेगा, आप 12th पे फोकस करिए, 12th अच्छे से कर लीजिएगा, उसी से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और 11th के कुछ चैप्टर जो आपके अच्छे टॉपिक रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दे रखे हैं इन्होंने, वही करिएगा, उतने काफ़ी है। आपको कॉनिक सेक्शन कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना इन सब पे, ठीक है। 11th के टॉपिक्स पर ज़्यादा टाइम मत देना, सिर्फ 12th पे फोकस करना, आपको VIT में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और VIT का एग्ज़ाम ज़रूर भर देना, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, तो आप भर लीजिएगा इसके फॉर्म की, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि अगर आपको किसी NIT में नहीं मिला या IIIT में नहीं मिला, तो आपके लिए VIT काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसमें आराम से सिलेक्शन हो सकता है आपका, तो VIT का जरूर एग्ज़ाम दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।